वेलकम बैक टू फूड्स ऑफ फिटनेस। आज हम बनाएंगे पुणे की फेमस मैंगो मस्तानी। इसको खाने में बहुत ही मजा आता है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। नई नई रेसिपी और होम रेमेडी को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूले। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के पके हुए आम लिए हैं और इसको मैंने कट कर दिया है। दो स्कूप वनीला आइसक्रीम, दो स्कूप मैंगो आइसक्रीम, दोनों ही आइसक्रीम मेरे होम मेड है, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हो। एक ग्लास ठंडा दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, टूटी फूटी, चेरी और जेली, ये सारी चीजें गार्निशिंग के लिए। अब सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हमने जो आम के पीस लिए हैं उसको ऐड कर देते हैं। आधे पीस इसमें ऐड करेंगे और आधे पीस हम रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो दूध लिया है उसे। इसी के साथ हम यहाँ पे आइसक्रीम को ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं एक स्कूप वनीला आइसक्रीम और यहाँ पे एक स्कूप मैंगो आइसक्रीम को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें चीनी को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आइसक्रीम और आम ऑलरेडी मीठे ही होते हैं। तो अब हम इतनी चीजों को एक बार क्रश कर लेते हैं। मिक्सर को मैंने क्रश कर लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्टिरिंग ग्लास। तो ग्लास में हम सबसे पहले नीचे की तरफ आम के पीस को रख देंगे। आम के पीस को रखने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे मैंगो आइसक्रीम। इसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ टूटी फूटी और हमने जो आइसक्रीम का ड्रिंक, मैंगो मस्तानी का ड्रिंक बनाया है उसे हम इस तरह से चम्मच रख के ऐड करेंगे बिल्कुल धीरे से, ताकि हमारे लेयर खराब ना हो। ड्रिंक को ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे वापस से ऐड करेंगे आइसक्रीम। तो इसके ऊपर अब हम वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं वनीला आइसक्रीम को बिल्कुल धीरे से। और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, तो ऐड कर देते हैं पिस्ता, कुछ कटे हुए काजू, बादाम को ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी टूटी फूटी, कुछ जेली के क्यूब्स को ऐड करेंगे और लास्ट में हम ऊपर से रख देंगे एक चेरी। तो तैयार है हमारी मैंगो मस्तानी। मैंगो मस्तानी बनके बिल्कुल तैयार है, तो आप इस मस्त मस्त मैंगो मस्तानी को जरूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और इसे लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।